घटना कल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्जुन कुमार दास। अच्छा। पिताजी का नाम है श्री अधनचंद दास। आप क्या करते हैं? मैं ITBP में जॉब करता हूँ। अच्छा। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। अच्छा। वर्तमान में मैं दिल्ली में पोस्टेड है, हेडक्वार्टर में। ये घटना कैसे हुआ? ये घटना विगत हमारा जो 2020 से हमारे साथ में रंजिश के कारण आपसी दुश्मनी से रामचंद्र दास और उनके रिश्तेदारों ने मारपीट किया। मारपीट होने के बाद में हम लोग बेघर हो गए, हमारा घर द्वार लूटपाट किया, उसमें सजा हुआ। सजा होने के बाद में 7 साल का सजा हुआ, उनको अपील किया, अपील में जो है ना सजा वैसे का वैसे ही रह गया है। उसी रंजिश से बार बार आए दिन 2015 में मनीष दास द्वारा मेरे बड़े भाई को मारपीट किया गया, जो कि हड्डी उड्डी टूट गया, उसका केस में सजा हो रखा है, अभी लंबित है, मंटू दास। और इधर 2018 में अगस्त महीना में हमारे घर पर हमला करने के लिए आए थे इनके जितने भी रिश्तेदार, रामचंद्र दास, नीपेंद्र दास, जगत दास, मंजेश दास, शुभचरण दास, बुद्धा दास, वसुदेव दास, रूप कुमार दास, निरंजन दास, गौरा दास, चंदर, शुंभु, आशु, उसके बाद गौरा, जितेंद्र, सनातन कलर का, और इनके साथ में बहुत सारे संजय, वीरेंद्र, जयचंद, ये जितने भी आदमी हमारे घर पर हमला करने के लिए आए थे, हमला करने के लिए आया था। तत्काल मुझे यहाँ से घर से दूरभाष से फोन किया गया कि हमारे घर को घेर लिया है, गाली गलौज, पथराव कर रहे हैं। तत्काल मैंने वहाँ से CO साहब से फोन करवाया, SSB 45 बटालियन को। 45 बटालियन से तुरंत CO साहब 2 गाड़ी फोर्स के साथ में आया और हमारी घटना को जो है ना उस दिन टाल दिया, यानी हमारे घर पे उस दिन हो नहीं पाया। ये घटना कुछ दिन पहले का है। ये सर 30 अगस्त 2018 उसकी लिखित आवेदन, वो डायरी लाना मेरा। ये डायरी है, ये लेटर DG हेडक्वार्टर ITBP का है, ठीक है। DG ITBP ने भेजा, जो कि इसके घर पे ये देखिए 3 अगस्त 2018 का है, ठीक है। ये हमारा IG साहब का है, IG हेडक्वार्टर का है, ठीक है। स्थानीय थाना को इसकी जानकारी, स्थानीय थाना सदानंद सा रामचंद्र दास के यहाँ पर विगत 6 महीना यानी साल भर से उसके घर पे आना जाना था, ठीक है। और उनकी वाइफ से भी गलत संबंध है, ठीक है। मैं और इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। उसके कारण हमारे घर पे हमला करवा रहे हैं, आए दिन मारपीट करवा रहे हैं। होली के दिन हमारे घर पे हमला करवाया गया। इसके साथ में शफीकुल्ला, ग्राम पंचायत राज बेला के मुखिया, इनके साथ में समिति, और ये क्या नाम बोलते हैं, वार्ड सदस्य जगबंधु कलर का जुगेश दास, ये शामिल है। मेरा भाई का सर फोड़ दिया गया, मेरी सिस्टर का हाथ तोड़ दिया गया, पूरे परिवार के साथ में मारपीट किया गया। मारपीट कितने दिन पहले की है? ये होली के दिन 21 मार्च 2019 को। इस बार इस पर प्रशासन के कोई प्रकार सर, उसके बाद 22 मार्च को उसके सुबह होके मेरी सिस्टर रोड पे गई तो इसको सर बहरे में से हाथ तोड़ दिया, हाथ पैर पूरा फ्रैक्चर कर दिया, सर पे जो है ना पूरा लहूलुहान कर दिया, ICU में एडमिट थी पूर्णिया में, ठीक है, रेफर कर दिया। पहले यहाँ पर LN हॉस्पिटल बीरपुर में लेके गया, वहाँ से उनको तत्काल अविनाश बाबू ने रेफर कर दिया, जो कि पूर्णिया में ICU में एडमिट थी। पहले वाली घटना में FIR दर्ज हुआ था? FIR दर्ज हुआ था, सदानंद साह ने उसको जो ना कचरे में डाल दिया। ये गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं हुआ सर। ये सर देखो, धूरत साली सावलाराम IPS, ठीक है, उनके नाम से लेटर हुआ, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार लेटर हुआ, तीसरा बार लेटर हुआ MHS से। ये सर जैसे ही वहाँ से आते हैं, ठीक है, ये घटना जो कल हुई है, ये सर कल घटना 8 बजे की सुबह का है। हमारे पिताजी और भाई मतलब जो है ना बाइक से आ रहे थे, मजदूर जन करके भुट्टा मतलब जो है ना मकई को काटने के लिए, ठीक है। जैसे ही ये पुलिया के पास आया, यहाँ घर से महज 100 मीटर हो गए, वहाँ पर करीब 40-50 आदमी ने घेर के, जो मैंने नाम बताया, पहले दारू पिया, दारू पीने के बाद रड, हथियार, धारदार हथियार, अज्ञात अस्त्र शस्त्र के साथ में गए, और उसके साथ भी जो है ना विविध प्रकार के जो है ना अस्त्र शस्त्र थे, जो कि उसका मतलब घटना होने की आशंका आपको पहले से था? पहले से थी। शफीकुल्ला मुखिया, दुर्योधन दास और जुगेश दास, इनके घर पे जो है रामचंद्र दास, इनके यहाँ पर मीटिंग,
मीटिंग किया कि जो ना ऐसे ऐसे अंजाम देना है। हमने फोन किया एसपी को फोन किया, डीएसपी को फोन किया, इंस्पेक्टर को इनकी जानकारी दिया, एसएसबी बगल में कैंप को जानकारी दिया, हमने हेडक्वार्टर से फोन करवाया। फोन करने के बाद उन्होंने बोला कि थाना प्रभारी को मैं बोल रहा हूँ। थाना प्रभारी क्या बोलते हैं, बोले कि तूने साहब को क्यों बोल रहा है, मेरे तुम लोग को दिखा देंगे, ऐसे बोलते हैं भैया को। ये जो हमारे भैया, ये जो हमारे भैया है, ये पैथोलॉजिस्ट है, ठीक है, पूर्णिया में, ये जो ना सुमित्रा, इनको क्या बोलते हैं, आपको दिखा देंगे, बोले कि मर्डर करवा देंगे, ये करवा देंगे, हमारा शिकायत करते हैं। हाँ, दरोगा ये सदानंद सा खुलेआम बोले हैं सर। आज कल ये सर भाई के साथ में और मेरे पिताजी को, दोनों को इनका पोस्टमार्टम हो गया सर। चलाकी ये क्या, वहाँ से वहाँ बोले, क्या बोले कि जिंदा कुछ नहीं था, पहले से डेड हो गया, गोली मार दिया, तीन तीन राउंड गोली चली है पूरा साफल से। ये सर थुआ हो रहा है, ये सर देखो पका हुआ जैसा आम हो रखा है, इसमें क्या आदमी जिंदा रहेंगे। ये टेक्निकल और ये साजिश के साथ में, ठीक है, सदानंद सा इन लोगों के साथ में मिला हुआ है और ये कांड हमारे घर पे करवाया है। ये अभी डेड बॉडी, गोली भी मारा गया है, गोली भी मारा गया है। प्रशासन क्या कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है, प्रशासन ने लिखा है अभी HSO, ये गोली मारा है, देखो सर ये गोली सर 303 का है, ठीक है, जो मास्केट हमारे यहाँ पर जो है मास्केट बोलता है, ठीक है, ये सर गोली यहाँ से मारा है और ये कान से मारा, आर पार हो गई है। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Crime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।